इधर क्यों बैठा है? बोल बोल, क्यों बैठा है इधर? किसी की इंतजार कर रहा है? गुड इवनिंग। तो सुबह से कोई ब्लॉग नहीं किया। मैं सुबह से देख रहा था कि यहाँ पर मिट्टी फेंक रहा है, लेकिन मैं रिकॉर्ड ही नहीं किया। दिखाता हूँ, और मैं सुबह से नहीं, मतलब दोपहर को इतना सोया तो मेरे आंखें भी फूल गया होगा। और यहाँ पर काफी मिट्टी फेंक दी, और ये जगह जो है काफी एरिया बढ़ गया, और भी मिट्टी फेंकने के लिए आ रहा है अभी। कितना धूल होता है यार, बहुत धूल होता है, बहुत धूल होता है। और ये आ गया मिट्टी, बारिश आया था तो सब कुछ तो साफ हो गया था, धूल वगैरह जो कुछ भी था पेड़ पौधों में या फिर हमारे जो घर है वो सब कुछ साफ हो गया था। लेकिन अभी देख सकते हैं दोबारा वही जो का तो ही हाल है, बिल्कुल वैसा ही हाल है जो पहला था। सब कुछ पीला पीला सा हो गया है, बिल्कुल सफेद हो गया है सब कुछ। हाँ, पता नहीं कब ठीक होगा। जब रास्ता ठीक होगा तभी ये धूल से मुक्ति मिलेगा हमको। और यहाँ पर वो देख रहा है, हमको देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं फोन की कैमरे से। मेरी गलत बात भी सोचना है, সবটা ঠিক আছে নি মানে পুরো বডি ঠিক আছে। আচ্ছা এই কথা জিজ্ঞেস করতে বলে, হ্যাঁ এই জিনিসটা সারা এই জিনিসটা ইয়া করানোর মতো আর কোন রাস্তা আছে নি? মানে ইগনোর মানে কিটা করে এটারে ইটা বা ইডারে নেক্সট টাইম এটা অন করে সারো বলতে। তো एक्चुअली हुआ ये कि इसने एक इंटरव्यू दिया। कौन सा इंटरव्यू दिया था? एसएस कौन सा? टीएसआर का इंटरव्यू चले। इसको छोटा सा गलती की वजह से इसका रिजेक्शन हो गया। इसकी दांत में छोटा सा प्रॉब्लम था, इसके लिए रिजेक्शन हो गया। खैर कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से ट्राई करेगा। उधर के लोग थोड़ा सा आइसक्रीम खाने वाले हैं इनसे। ये क्या लिया है तूने? ये क्या करेगा? अरे यार ये उनका भोंपू है। अरे कैसे बज जाता है। इसको ऐसे बज जाता है। अरे तो नहीं दरा 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 छेद। अरे ये की तो बैंगे कैसे तो। अरे हाँ 170 दीबिन। तो कल जो है हमारे बंगाली ईयर का लास्ट डे है, और इसके लिए सारे लोग घर पे वेजिटेबल कितना वेज खाना खाने वाले हैं। सब्जियाँ वही तो वेजिटेरियन तो खाना खाने वाला है ना, सारे लोग वेजिटेरियन खाने वाले, मतलब वेज खाने वाले। एक डिश बनेगा जिसका नाम है पाचन, और इसमें लगभग हर सब्जियाँ डाला जाता है। ना, इसका नाम सिर्फ पाचन है, इसका नाम सिर्फ पाचन है। इसमें हर एक सब्जियां डाला जाती है, यहाँ तक कि वो होता है ना क्या सारे पत्तों को कलेक्ट करके डाला जाता है। एक ऐसा भी तो होता है, हाँ मतलब जंगल में जाके या फिर जितने भी पत्ते हैं ना जो भी खाने लायक है उन सबको थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है ऐसा। कल मैं दिखाने वाला हूँ, कोशिश करने वाला हूँ दिखाने के लिए। एक चीज बताने वाला हूँ मैं, इस साल के है वो जो तो बांग्ला में चतुर महीना है ना, उसके लास्ट में सारे बंदे है ना जंगल में दिखेंगे, घर में कोई नहीं दिखेगा, सारे जंगल में दिखेंगे पत्तियां ढूंढने में। कल सुबह तुम देखना
फूल लेके क्या लगता है, फूल ढूंढने के लिए उसके बाद पेड़ पे उठेंगे। ये जो पहले तो इस वाले पे आ गया ना, ये देखिए, ये देखिए फूल आ रहा है इसमें। पीछे और भी बड़ा पेड़ है, मेरे को ये देखा तो मैंने ये देखा दिया। मतलब कल का जो ब्लॉग है थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सब्जियां और एक तारीख और आखिरी तारीख, मतलब चित्र कल का ब्लॉग और एक तारीख का ब्लॉग दोनों ही बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज बाजार में होने वाला है बहुत ही जबरदस्त खरीदारी, बहुत ज्यादा खरीदारी होने वाला है। अभी देखा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी सिर्फ शुरुआत है। ये देखिए सारे लोग खरीद के ले जा रहे हैं, अभी सिर्फ शुरुआत है। सारे लोग इतने बेसी तो ना बिस्तर हमारा, ये देखिए अभी तो शुरुआत हुई है, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। बहुत ही जबरदस्त खरीद है, सारे के सारे बेच सब्जियां, फूल पत्ते सब्जियां। ये देखिए आज बहुत ही जबरदस्त खरीदारी होने वाला है, अभी सिर्फ शुरुआत है। अरे तुझे सब्जी कितने लगे, ठीक है शाबाश शाबाश शाबाश। ये भी रेडी है बेच खाने के लिए कल के लिए। थोड़ी देर में खरीदारी चालू होने वाला है, अभी तो और भी बहुत आने वाला है। ये है नॉरेन की पिता का दुकान और ये वाला है हमारा दुकान। रख चल।